हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही खास एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी होने वाली है आज के शो में, बल्कि अभी शो स्टार्ट होने से पहले हम उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन उस बड़ी अनाउंसमेंट से पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने मौजूद जजेस का। मेरे साथ मौजूद हैं मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। मरीना जी, क्या अनाउंसमेंट आप करेंगी? कौन करेगा आप वैसे अनाउंसमेंट? नादिया ऑफ कोर्स। तो है ही नहीं अनाउंसमेंट आज। अनाउंसमेंट है, अभी हम क्या तस्करा कर रहे थे। है अनाउंसमेंट, हम बता दें ताकि अभी से लोग प्रिपेयर हो जाएं कि क्या होने वाला है साल के खत्म में, क्या सरप्राइज लाने वाले। आई थिंक जनरली सब लोगों को इश्यूज है विद द अवार्ड्स दैट वी ऑलरेडी हैव। आर्टिस्ट भी खुश नहीं है, सीनियर एक्टर्स बहुत नाराज हैं, बहुत सारे लोगों को इश्यूज हैं कि हमारे अवार्ड्स मजे के नहीं हो रहे जैसे उनके जहन में होते हैं। अब हमारे पास इतना एक जबरदस्त फॉर्मूला और कैलकुलेशन है जिसमें कोई ज्यूरी, जजेस, नन ऑफ दैट। हमारे पास रिजल्ट्स हैं और पूरे साल के रिजल्ट्स हैं। Exactly. तो बड़ा जबरदस्त मुकर्रम ने आइडिया दिया कि ये तो अवार्ड्स बनते हैं और हमारा भी उसमें कुछ नहीं है, हमने बस जो रिजल्ट बन गए वो बन गए। नहीं, ज्यूरी तो आप लोग रहे हैं ना, उसके बाद पब्लिक उसके बाद जो रिजल्ट बना है और जो ऑडियंस से जो वोटिंग की है पूरे साल उसके रिजल्ट्स हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। उसका नाम भी अभी हम डिस्कशन में है कि वो जो हमारा फिनाले होना है इस साल के एंड में, वो उसमें कौन बाजी लेके जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आगे आने वाली हैं और आप भी कोई नाम सजेस्ट करते हैं तो हमारे आखिर का जो ये चार एपिसोड होंगी उसमें ये सारी अनाउंसमेंट्स होगी। उस स्पेशल शोज़ के नाम क्या होना चाहिए वो भी बताइएगा। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले आज का शो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं। मीना जी, आप रेडी हैं ना? नहीं, हाँ, ओके। तो जी, चैनल है एम टी वी, प्रोडक्शन है मोमल इंटरटेनमेंट और एमडी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरे, डायरेक्टर है फारूक रिंद, राइटर है अब्दुल खालिक खान, कास्ट में शामिल है बिलाल अब्बास, दुर्रे फिशा सलीम, उमेर राना, नूर हसन और ड्रामे का नाम है इश्क मुर्शद। और मरीना जी स्टार्ट करेंगे आपसे। ओके, सो इश्क मुर्शद इज ए फन वॉच फॉर मी। मैं जरा सी कन्फ्यूज हो रही हूँ। द रीज़न आई वॉच इट इज़ आई एम एब्सोल्युटली लविंग बिलाल्स परफॉर्मेंस और ऑल्सो बिकॉज एक लाइट हार्टेड प्ले, मीन इवन दो आई नो आगे जाके शायद सीरियस वगैरह हो जाए लेकिन अभी तक एक लाइट हार्टेड प्ले है, तो वो बहुत कम हम लोग करते हैं, तो ज़रा सी स्माइल आती है फेस पे, अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जो कन्फ्यूजन वो हो रही है वो बिलाल अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहा है। ये मेरी भी ये बहुत मुझे वो कहते हैं फ़ौरन आ जाओ, वहाँ से उधर पहुँचा, वहाँ से वहाँ पहुँचा, मीन इज़ लाइक इट्स लाइक मैजिक, ही इज़ इन टू प्लेसेस एट वन टाइम, सो दैट पार्ट इज़ कन्फ्यूजिंग मी अ लिटिल बिट। लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी थी, ऑफिस से एक्सक्यूज की जस्टिफिकेशन ये दी थी कि उसने पैसे दे दिए थे अपने कुली को, मेरा काम तुम कर दिया करो। आई नो, तो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया हुआ। आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। आई थिंक जस्ट द वे, जिस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें, या शायद सिर्फ मेरी व्यूइंग की वजह से मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। इमोजी, even though it was a fun watch but still flat face, I had certain issues, तब हैरान फेस। हाँ, जरा सा। रुबीना जी, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है क्या, अच्छा, जब मैं अच्छा इंसान होती हूँ ना तो मैं खुद ही हैरान होती हूँ कि मैं इतनी अच्छा इंसान कैसे बन गई। बट मुझे अच्छा इंसान बनाने वाले जो हैं वो फिर क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। तो मेरे लिए ड्रामा है मोमेंट्स एंड विल ऑलवेज बी, कोई भी अच्छी फिल्म, कोई भी ड्रामा मेरे दिमाग में रह जाते हैं मोमेंट्स एंड आई थ्राइव on them. This week, this play took me to another level of happiness. Oui. हाँ, तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर रही थी। मैं ये बैठ के देख रही हूँ और मैं कह रही थी वाह, और genuinely कह रही हूँ, कोई तंज नहीं है इसमें। और फिर एक और moment आता था और मैं कहती थी this is how I watched these two episodes. I'm really happy. I loved the two episodes is basically because of the writing. Abdul Khalik sahab, I want to clap for you. Wo kehta hai ki beta tumhara mere paas hai, koi forward block nahi banega, jin ke khoon mein badshahat hoti hai unko ghulam banane ki koshish nahi karte. Good one. jumle aur situations jo hai na wo deti hain aapko drama. For me ये है काबली पुलाव इस हफ्ते, और ये है अल्लाह की कसम, 10 मिनट सामने रख के बैठी हूँ सुबह नंबर
और कहीं एक दूसरे से इनको अलहदा नहीं कर पाए। चलिए मुझे दिखाएं क्योंकि नादिया इसका जवाब देगी। मैं कुछ नहीं बोल रहा। आपने कहा था इसको ऊपर कर लेना है। हाँ। इसको भी दिखा देती हूँ, ये भी दिखा देती हूँ। इट वॉज डेफिनेटली अ फोर थम्स अप। वेल डन टीम इश्क मुर्शिद, ओवर टू यू नादिया। हाँ, मैंने नादिया को शदीद कंफ्यूज कर दिया है, बिकॉज नादिया ये कहती है अक्सर कि मैं कुछ सोच के आती हूँ, आप दोनों मुझे इतना कंफ्यूज कर देती है। इसको पहली बार ही दिया करो। मुझे तो नहीं, वो इतना अच्छा भी नहीं था। आज मुझे इनसे उनकी बात सुन के लग रहा है कि इतना था। अच्छा था। तो आई एम अगेन कंफ्यूज। नहीं, अच्छा मुझे लगा एंड आई थिंक बिलाल इज अ वन मैन आर्मी। और ड्रामा जो मुझे मजे का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इस mainly because of him and I enjoyed Sukaina also. This time uski wo aankhein badi 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 mazedar use hui hain. aur uska aur mujhe sabse pyara Sukaina ka kya laga, sorry hai fazal aa gaya, fazal bakhsh ha bahut maze ka scene tha, sorry aa gaya fazal bakhsh, bahut acha hadbadana tha, bahut maze ka usne kiya. phir wo jo khidki se aaya hai ekdam aur Dure Fishan ne dekha hai, kuch ye moments bade cute the. this is a very cute drama, mazedar. yes I think jo aapko irritate nahi kar raha, kuch drama kar rahe hain ye wala. acha isme jo ye main aise kyun boli, kyunki wo jo Mehrana ki wife hai na, wo पता नहीं कौन सा नशा किया हुआ इसने, वो बहुत अजीब तरह बोल रही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जिनका ड्रॉल होता है, मतलब लग रहा है वो कि वो यहाँ कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, किस वजह से पहुंची। तो वो बहुत उसका सेडक्टिव स्टाइल है बात करने, और वो अच्छा बात नॉर्मल है, आज फिर नाश्ता किए बगैर चला गया। वो कोई और भी बात हो सकती थी, नाश्ते पे इतना सेडक्टिव होने की जरूरत नहीं थी, बट उनका स्टाइल है बहुत जबरदस्त है वो मम्मी। जनरली इट इज नाइस, मजेदार। टू थम्स अप। राइटिंग की बात करी जाए, अब्दुल खालिक खान भैया जी, आई थिंक दिस टाइम आई विल गिव इट ए 6.5। 6.5, गुड जॉब। रवीना जी, मैं बहुत खुश हूँ इस राइटिंग से, आई विल गिव हिम अ 9। वाओ, दिस वाज गुड राइटिंग। It gave me goosebumps. ये तो blank check था. It made me clap. It gave me goosebumps. It सवालों के जवाब वहीं के वहीं मिले, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक सिचुएशन है, रिजॉल्व हुई सिचुएशन, आई रिजॉल्व हुई। सो या 9। नादिया 8। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा, मेरे लिए ये हार्ड वॉच नहीं होती, आई लुक अच्छा जी। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं। गुड गुड गुड। और अब्दुल खालिक साहब के हिस्से में आए हैं 5 तक अब डायरेक्टर ने व्यूअर्स को ऑडियंस को पकड़ लिया गिच्ची से। डायरेक्टर ने ये ड्रामा क्यों किया, बिलाल ने ड्रामा क्यों चूज किया, सब क्यों है इस ड्रामे का हिस्सा, बिकॉज इट्स गुड, इट्स रियली नाइस। और अब बड़ा मजे का जेली सेट हो गई है, तो जेली सेट हो गई है अपनी जगह, तो रेडी टू सर्व। नंबर्स 8.5। डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 13,000 हुए हैं और फारूक रिंद के हिस्से में आए हैं 2,470। 19% बनते हैं, 1.9 मिले हैं इनको 10 में से। वेल डन। अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में दुर्रे फिशा सलीम मैना जी, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सो आई विल गिव हर एन 8। दुर्रे, हां मैना जी, दुर्रे को 7 दे रही हूं। 7, वेरी गुड जॉब। नादिया, तो 8 फॉर दुर्रे फिशा एंड 10 फॉर सुकैना। या नेचुरल। अच्छा जी, ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और इश्क मुर्शिद से दुर्रे फिशा सलीम के हिस्से में आए हैं 2,210। 17% इनके भी बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं 10 में से। अब बिलाल अब्बास की बात हो जाए जो कि पूरे ड्रामे को लेकर चल रहे हैं, मेरा सिर्फ एक चीज़ थी जिस पर मुझे इख्तलाफ था, जब कोई आपको कचरा पकड़ाता है तो आप कचरा यूं नहीं पकड़ते, यूं पकड़ते, वो बहुत अनकंफर्टेबल था। और मुझे, और जिनको OCDs वगैरह हो तो वैसे ही कहेंगे यार क्या कर रहे हो, कचरे का थैला यूं नहीं पकड़ते। उस ट्रू
And I think this kid is doing an amazing job in this, so I'm going to give him an 8.5. Well done, Bilal Abbas. Lubina ji. For right now, an 8 for sure. 8. Nadia. Bilal ko abhi in episodes ke liye to I'll give him full marks, 10. Loved his performance. Especially jo usne upar se dekha hai na Sukhena ko, wo bahut mazay ka tha wo gesture. तो जी मेल एक्टर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए टोटल वो 13,300 हुए हैं और इश्क मुर्शद से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए 5,852.44% मिले हैं इनको तरफ से वेल डन चार नाम लिखो कौन है आपका फेवरेट सर बिलाल तो जी ये हो गया इश्क मुर्शद का रिव्यू इनिशियली ड्रामा हमारे जजेस को पसंद नहीं आया था ऑडियंस को भी इतना पसंद नहीं आया था इतने वोट नहीं थे अब ऑडियंस को भी समझ आ रहा है और जजेस को बहुत समझ आ रहा है और सबसे ज्यादा रुबीना जी को समझ आ रहा है और जल्दी समझ आ गया और भी समझाया आज जल्दी आ गया बिल्कुल तो ड्रामे वो समझ ही नहीं आ रहे जितना मर्जी अब जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो भी है बहुत ही खास और ब्रांड न्यू ड्रामा है जी अच्छा जी हाँ प्रोमोज उसके बड़े इंटरेस्टिंग थे और उसमें आपको बहुत ही खास कास्ट नजर आने वाली कास्ट का भी तस्करा करेंगे मैं ड्रामा सीरियल राहे जुनू की बात कर रहा हूँ उसको रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके वोट से नंबर वन बन सकता है आपका फेवरेट स्टार YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा वेलकम बैक एक दफा फिर आप खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका चैनल है हम टीवी प्रोडक्शन है मोमल प्रोडक्शन डायरेक्टर है सैयद अहमद कामरान जिन्होंने कुछ अर्से पहले बड़ा ही खास ड्रामा बनाया था रुबीना जी याद है आपको इसमें रिव्यू भी किया था मेरे बन जाओ बिल्कुल राइटर हैं रेहाना आफ्ताब और कास्ट में शामिल हैं दानिश तैमूर कोमल मीर सबा फैसल महमूद असलम अली ताहिर और रुबीना जी शुरू करेंगे आपसे कैसा लगा आपको राहे जुनू ओके राहे जुनू शुरू हुआ और विजुअल्स बहुत खूबसूरत थे एंड देयर वाज ड्रोन्स एंड देयर वाज शॉट्स एंड देयर वाज दिस ब्यूटीफुल पाकिस्तान का की माउंटेंस हसीन लगा और मैंने कहा वाह मज़े का है बात भी समझ में आ रही थी जब तक कि वो लड़का वहाँ गया और फिर वो बिल्कुल एज पे किसी एक क्लिफ के माउंटेन के खड़ा हुआ और फिर उस लड़की ने उसको बचाया और लड़के ने बताई उसको अपनी थोड़ी बहुत कहानी और अपना कार्ड दिया और चला गया लड़की जो थी वो उससे वैन मिस हो गई उसके बाद से ड्रामे में से लॉजिक मिस हो गई टोटली क्योंकि लड़की जिसका फ़ोन चला गया था गाड़ी में प्रॉबेबली और उस लड़की ने अपनी किसी दोस्त को अपने घर वालों को किसी को कॉल करके नहीं बताया कि वैन चली गई और मैं स्ट्रैंडेड रह गई हूँ अभी 5 मिनट पहले जो आदमी उसको मिला था उसको फ़ोन किया फिर उसके बाद वो लड़की को लेके चला गया और गाड़ी ख़राब हो गई और वो लड़की डांटना शुरू हो गई उसको बाकायदा कि क्या कर रहे हैं मेरी बस निकल जाएगी अरे भैया तुम्हारा नौकर नहीं है फिर उसके बाद खैर रेस्टोरेंट में चले गए बैठ के आराम से बातें की कहानियाँ वहानियाँ सुनी फिर वैन मिल गई अब वैन मिल गई है और वैन खड़ी है और कोई नहीं है बट वैन नज़र आ गई है और फिर वो खड़े होके हार्ट टू हार्ट कर रहे थे वहाँ पर तो फिर इवेंचुअली जब पूरी बातें और डायलॉग्स वगैरह हो गए तो उसके बाद दोस्त आई और ऐसे ही कैजुअली आई किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि वो लड़की गायब हो गई है इस बात का कोई शायबा तक नहीं फील हुआ मुझे इट वर्क्ड फॉर मी फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स आफ्टर दैट नथिंग इन दिस प्ले वर्क फॉर मी इमोजी तो आई विल से वन थम्स हाँ और ये ग्रेस है हाँ ग्रेस मार्क्स मिले हाँ, आगे इम्प्रूव करते ड्रामा तो मजीद मिलेंगे नादिया मुझे लगता है कि हमारे ड्रामास चाहे कितनी ज़बरदस्त टीम हो फर्स्ट एपिसोड अच्छा नहीं बना पाते मोस्टली तो फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से मुझे लगा है बहुत सारी फिल्म्स का कोई मिक्सचर है 5-6 फिल्म्स का ना एक इसका सीन उठा लिया एक उसका सीन उठा लिया बट स्टिल कुछ सीन्स
अच्छे ही तब लगते हैं जैसे खुदकुशी हो रही तो लड़की आके ना जरा असर्टिव वे में आएगी, पागल हो गए क्या कर रहे हैं आप, क्या कूदने लगे थे, क्या कर रहे थे, इतना बोलेगी तो उससे वो अपने स्टेट ऑफ माइंड से निकलता है, वो तो आके इतने आराम से प्यार से क्या कर रहे हैं, क्या जिंदगी बहुत है सीन, उसने ना पेस गिरा दिया, उसमें सीन बिठा लिया क्योंकि शी स्पोक वेरी स्लो, उसमें उसको हाइपर आना चाहिए था, एकदम डरने की बात है, प्लस ये कि वो इतनी देर से इतने डायलॉग्स बोल रहा था ऐसे देख के, सामने तो लड़कियों की बस थी, वो इसको देख रही है तो इसको वो नहीं नजर आए, बहुत क्लोज थी वो लड़कियों की बस, कोई इधर उधर होती ना ऊपर नीचे, वो तो सामने खड़ी थी, तो जब ये डायलॉग्स अपने बोल रहा था जिंदगी जो भी है तो उसने क्यों नहीं बच्ची देखी, मैं मुझे लगा वीडियो बना रही होंगी, ये हमारी वैन है, ये पीछे लड़का खुदकुशी कर रहा है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, ये बनती वायरल हो जाती, वैसी वैन वैसी बच्चियाँ पीछे, बस फर्क ही था पीछे खुदकुशी हो रही है, तो ये थोड़ा मुझे हल्का लगा सीन द वे कोमल मीर सेड हर लाइंस, करवाया उससे लेकिन वो बैठ गया, वो ज़रा फुल ऑन आना चाहिए था ताकि वो सीधा होता, मोहब्बत भी होती गुस्से से मोहब्बत होती है। उसके बाद जो चीज़ मुझे अजीब लगी वो ये कि देखिए जो रीज़न उसने बताया ड्रग्स का कि मम्मी डैडी टाइम नहीं देते, तो ये मम्मी डैडी बॉय है और उसको मतलब वो भी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन नाश्ता भी नहीं करता मम्मी डैडी के साथ, रीज़न शुड हैव बीन समथिंग एल्स, तो और माचो लगता मेरा हीरो, कोई बात नहीं दिल तोड़ा है लड़की चली गई, इट्स ओके ही स्टिल हैंडसम, लेकिन मम्मी डैडी का ओके उसमें जो मेरा हीरो का ना इमेज ख़राब होता है, और दानिश हीरो है भाई। उसके बाद फिर और कुछ 8-9 फिल्मों के 90s की फिल्मों के सीन आए, मैंने प्यार तुम्हें से किया है वो वाला कुछ आया, स्विमिंग हो रही है ज़बरदस्त सीन चल रहा है, उसको छेड़ा है फौरन पहुँचो, वहाँ पहुँच गया वो लड़का, लग रहा था कि उसने छेड़ा होगा, और किस तरह से छेड़ा था क्या किया था उसने, सीटी बजाई थी, मैसेज भेजा था क्या था, कैसे छेड़ा था, और वो लड़का मतलब पूरे आपने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही बेचारा फारिग बच्चा लिया जो छेड़ा और कोमल मीर ने जो टाइटल में सूट पहना है मेरे पास सेम वही है, मेरी वीडियो देख लें जो बड़ी वो खुशी हुई, बड़ा प्यारा सूट हमारी सेम चॉइस, स्ट्रेट फेस, ओके जी, हां नहीं मुझे ब्लैंक, ये मरीना जी, आई थिंक द प्ले जस्ट बिकेम अनदर ऑर्डिनरी प्ले, टू मेनी क्वेश्चंस, सेम थिंग, चोर आए सिर्फ मोबाइल चोर, अब क्या मोबाइल और वॉलेट, अब वॉलेट ऑब्वियसली बैग में होगा ना, तो उन्होंने बैग खोला वॉलेट निकाला, पूरा बैग क्यों नहीं लेके गए, वी नीड टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन द बेबी, एंड व्हेन एक्सपेरिमेंटिंग मुझे पता है चैनल्स वगैरह घबरा जाते हैं विद दैट वर्ड, बट व्हाट आई मीन इज दैट वी हैव टू फाइंड न्यू वेज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी एंड मोर लॉजिकल वेज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, वो एकदम से इसमें बिल्कुल मिसिंग हो गई, एंड आई लव दानिश लुक in the beginning, I loved his look, it was carefree, there was no hairspray in his hair, it was falling on his face, he was looking good, and the moment he went home it assalamu alaikum main wapas aa chuka hu, meri gel mujhe wapas mil gayi hai, you know, and I'm thinking why not keep that look, because you are a troubled soul, tumne dikha, you know, that's what you say, so why not keep that look, keep it casual, I mean I like Danish, I like watching my, he's a very good looking kid, he's a good actor, but he needs to up the game now, you know, he needs to राइटिंग की बात कर लेते हैं और राइटर हैं रेहाना आफ्ताब, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इस कहानी में, सो मेरे हिसाब से अभी तक आगे अगर ये ले जाते हैं किसी लेवल पे तो फाइन, बट इट्स अ 4.5 फॉर नाउ फॉर राइटिंग, 4.5 रेहाना आफ्ताब, नादिया 5 फॉर नाउ, 5 ओके, जवाब मैना जी, आई एम सेइंग 4 अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस को कितना पसंद आया, तो राइटिंग की बात करें, राइटिंग कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 12,900 हुए हैं, और राह जुनू के हिस्से में आए हैं यानी रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए हैं 2,200 लोगों का पता नहीं, 774 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको 10 में से, और अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, सैयद अहमद कामरान, रुबीना जी I'll give a 4 to the director. 4. Nadia. 5 also for the director. 5. Okay, job. Meena ji, direction. So I will give him a 4 also. Direction ko. Yeah. 4.
ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और सैयद अहमद कामरान साहब के हिस्से में आए हैं 910, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं राह जुनू से। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की कोमल मीर, रुबीना जी। सो इस एक एपिसोड में मुझे अभी कोमल ने कुछ ऐसा नहीं दिखाया, तो आई थिंक लेट्स कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 5 ही दूंगी मैं कोमल। 5 फॉर कोमल मीर। कोमल के कैरेक्टर को बनाया ही नहीं गया, कोमल का अभी थोड़ा हल्का काम है। आई थिंक अगेन 5th एपिसोड में कुछ भी हो सकता है, 5th तक जब जाएं, अभी तक इट्स ओके, अभी नंबर्स टाइम लगेगा। 5 आल्सो। 5 जॉब मीना जी फॉर कोमल मीर। सॉरी, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हर, शी डिड नॉट इंप्रेस एट ऑल विद इन द डायलॉग डिलीवरीज, विद इन द लाइंस, डिड नॉट इंप्रेस एट ऑल, सो स्टिल अ 4। ओके जी, ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और कोमल मीर के हिस्से में आए हैं 910, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं 10 में से। अभी पहले एपिसोड है, आगे काम इंप्रूव होगा या नज़र आएगा, और ज़्यादा काम होगा, मार्जिन होगा, तो फिर डेफिनेटली नंबर भी बढ़ जाएंगे। अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की, रुबीना जी। आई विल स्टिल गिव हिम अ 6 बिकॉज आई फील के कहीं कुछ होगा जिसकी वजह से उसने इस ड्रामे के लिए हाँ की है और वो हमें नजर आएगा आगे, सो इट्स 6 फॉर हिम फॉर नाउ। 6 नादिया। दानिश अपना रोल फर्स्ट क्लास, दे दे 8 दे रही हूँ, दे 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 8 फॉर यू दानिश, दे 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 8 की दुकान, 8 की दुकान, 8 की दुकान, मुझे तो यहाँ से बैठने मिल रही है, 8 की दुकान। नहीं भाई, तब अच्छा हैंडसम लग रहा था हमारे दानिश, क्या करें। आई मीन ही इज डूइंग हिज जॉब वेल, सो I'll give him a 7. 7, yeah. Very good job. Audience जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 13,300 किए हैं और दानिश तैमूर के हिस्से में आए राह जुनू से 1,729, 13% इनको मिले हैं 1.3 10 में से। नॉट बैड, फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अब जिस ड्रामे का रिव्यू हम करेंगे उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आ चुकी है, वो इंटरव्यू होने लगा है जिसका कब से इंतज़ार था। इन दो एपिसोड में इंटरव्यू नहीं हुआ, मुझे था कि इन दो एपिसोड में इंटरव्यू हो जाएगा, याद आया आपको? जन्नत से आ गए तबस्सुम का इंटरव्यू, वो अभी भी नहीं हुआ, वहाँ पे खत्म हो गया, प्रोमो में हुआ है, प्रोमो की बात नहीं हमने करनी। क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद रिव्यू करेंगे जन्नत से आगे का। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और अब बात हो जाए मॉर्निंग शोज की और मॉर्निंग शोज पे बने हुए ड्रामों की, और उस ड्रामों में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होने वाला था, यानी कि तबस्सुम का, जिसने जाके जन्नत की जो राइवल थी उसके इंटरव्यू देना था। वो इन दो एपिसोड में हम वेट करते रहे, वो इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंगली चली। तो बता दूं चैनल है इसका जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्कायर, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है हसीब हसन, राइटर हैं उमैर अहमद, और कास्ट में शामिल हैं कुबरा खान, रमशा खान, गौहर रशीद, तलहा चाहूर, सबूर अली, हिना ख्वाजा बयात, शहयार जैदी, लुबना असलम, आयशा जहाँजेब, दानिया अनवर और नादिया। क्या आप रेडी हैं? ऐसे एपिसोड्स बने हुए थे मुकर्रम के आप ट्रांस में चले जाते हो, आपको होश नहीं होती। अब जब मैंने एपिसोड्स देखे तो मेरे को माय गॉड, ये तो ऐसा था ही नहीं, इस कपल के डायनामिक्स वर टोटली डिफरेंट। कितने और वो जो उसकी जब अपनी आई थिंक काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ जब बात कर रही है और उसने बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछा, तुम कब आखिरी दफ़ा खुश हुई थी, तो इट वॉज़ नेवर नाउ प्रेजेंट का कोई पार्ट, बट जहाँ से शुरू हुआ, जो वक्त हमें मुश्किल लगते हैं वही हमारे सबसे खुशी के लम्हे होते हैं। जब इसने स्टार्ट किया, जब इसको मियाँ पैसे देता था, तारीफ करता था, छोटी-छोटी चीज़ों में इसको खुशियाँ मिलती थी, पर्दों में, लॉन के सूट में, जूते में, शी वॉज़ वेरी हैप्पी देन। तो मुझे रोना आ रहा था वो पार्ट देख के, मैं एक्चुअली थोड़ा रो भी पड़ी। कभी कभी सब कुछ पास होता है, आपको लोग एनवी कर रहे होते हैं और आप इतने दुखी होते हैं,
चीज़ें मिल जाती हैं, दुनियावी चीज़ें, और आपकी असल खुशी, आपका चैन, सुख ख़त्म हो जाता है. तो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि वो हम क्या दुआ मांगते हैं ज़िंदगी में. बट मुझे वो बहुत, वो शूट बड़ा अच्छा हुआ था. वाकई लग रहा था कि कोई अब छोटी जन्नत और कोई छोटा गौर आ गया ना. मैनी मैनी ईयर्स, चलो कुछ साल पहले, मैंने तो नहीं बट कुछ साल पहले की बात है. बहुत अच्छे वो सीन्स शूट हुए थे. फारूक का एक बहुत इमोशनल सीन विद तबस्सुम, जब वो अपने आप को मारता है और उसको रोकना चाह रहा है और वो नहीं रुक रही, तो वो भी बहुत अमेजिंग सीन्स थे. और मुझे था कि अब ये एपिसोड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं हुआ, बिकॉज ये फोकस थे और बिल्कुल सही फोकस थे ऑन जन्नत. प्रोमो ने बहुत ख़राब किया, प्रोमो में सब कुछ नहीं बताते, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें रिवील कर दिया. बट एज़ फार एज दीज एपिसोड्स आर कंसर्न, मास्टर पीस ऑफ एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग. इमोजी बहुत अच्छे मुझे लगे. और मुझे अब सैड लग रहा है कि ये ख़त्म हो, बहुत अच्छे कुछ ड्रामे ख़त्म होने वाले, हम क्या करेंगे. टू थम्स अप जी. मैना जी, as much as I was excited about the last two episodes, these two episodes were that much unexciting for me. Yes, I'm so sorry. Because आपने एक ऐसे level पे वो वाले दो episodes खत्म किए कि will the husband be caught? Will these? And then suddenly you've gone backwards. Of course I know Jannat was a simple woman. Of course I know they had a much better relationship. ये सब कुछ बातों में आया. चलें, अगर हमने इसको प्रोलॉन्ग भी करना था तो हम कोई और सिचुएशंस बीच में ला सकते थे कि गौहर अब क्या करेगा, बिकॉज ही इज द कल्प्रिट, वी नो दैट. सबूर को सीन दे देते, सबूर कोई नथिंग, देयर वाज नो फॉलो अप ऑफ ऑल, एंड सडनली वी हैव गॉन बैक टू knowing very well exactly where she started from, exactly you know what the whole, hum kitne khush hote the, hum kitne hote the, ye hote the. The only difference was that mother-in-law ke saath uske, you know, zara se mazay ke scenes the. For me it okay. was I'm so sorry. Rubina ji, mere liye bhi ye do episodes thode se drag the, slow the, drag the. So jo baat mujhe interesting lagi इस जगह में, जो कि मकसद था इन दो एपिसोड्स का, वो ये थी कि कहाँ से शुरू हुआ था जर्नी जन्नत का, और वो हाउस होल्ड जिसमें सास भी, जिसके पास अब वो लड़का, उसको इजाज़त भी नहीं है जाने की, वो खुफिया हमने बीच में एक आध जगह देखा था ना शुरू में, माँ के पास जाता है, और ये तीनों आपस में कितने लवी डवी थे, एक दूसरे के साथ थे. और मेरे दिल से ये बात निकली कि ये लोग क्यों बदल गए, है ना, फॉर वर्स. एंड यही मैसेज था. फिर वो जगह आई जहाँ जन्नत अपने मियाँ से पूछती है, जब वो बहुत अच्छा शौहर है, कि तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगे, और उसने वो जवाब दिया जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. उसने कहा, आदमी नहीं बदला करते, औरतें बदलती हैं. ये तुम्हें नहीं समझ आएगा, आदमी भी बदल जाते, ये बहुत डीप बात है. आदमी भी बदल जाते, बच्चे नहीं, अगर खवातीन खुद करी बदल जाती, फिर मैं कौन होता हूँ कहने वाला. ठीक है, हाँ हाँ, आदमी नहीं बदला करते, औरतें बदलती हैं. और आपने देखा कि कैसे एक औरत ने पूरी दुनिया बदल दी ना अपने इर्द गिर्द. सो आई थिंक गुड मैसेज, सो आई विल गिव इट टू थम्स अप. अब बात हो जाए जी राइटिंग की. उमैरा अहमद, नादिया, गैरों की तरह तुम भी मुझे लूटते रहे, बहुत ज़बरदस्त जुमला था उसमें. उसको कन्फ्रंट करती है, और वाकई आप पहले देखें कि एक इतना ईमानदार आदमी और इतना बेगैरत बन गया कि बीवी का ना सिर्फ खा रहा है बल्कि चुरा रहा है उससे, और किसी और को फंसा रहा है. शेमलेस. आई रियली लव द राइटिंग. राइटिंग का नंबर लगा 8. 8. मैना जी, आई विल गिव हर अ 6. 6. गुड जॉब. रवीना जी, मैं इस मैसेज के इंतज़ार में थी शायद. मुझे था कि ये उमैरा हैं और एक स्ट्रॉन्ग डीपर मैसेज आने वाला है, जो कि इस एपिसोड में फ्लैशबैक्स के थ्रू आया, और मुझे समझ आया कि आपको बताया ये गया है कि ये जिसको आप जन्नत कहते हैं ना, दुनिया में जन्नत हम मटेरियल्स को ही कहते हैं ना, जब आपको वो सब कुछ जो आप देखते हो मुंह पर करके किसी और की तरफ, वो मिल जाए, और फिर उस जन्नत से आगे भी एक कहानी है. सो आई लव्ड द मैसेज, आई विल गिव हर एन 8.
अच्छा जी, ऑडियंस की बात कर लीजिए। ऑडियंस जो वोट कास्ट की हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,900 की हैं। उमैरा अहमद के हिस्से में जन्नत से आगे से आए हैं 3,741.29 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं इनको ऑडियंस की तरफ से। बात कर लीजिए डायरेक्शन की, नादी आप क्या कहेंगे डायरेक्शन के बारे में? नहीं, बाकी देखिए जितनी भी अच्छी एक्टिंग हो, अगर अच्छे सीन्स डायरेक्ट नहीं हुए हुए, शॉट्स अच्छे नहीं बने हुए ना, तो वो मूड किलर होती हैं, वो आपको सब ना ख़राब कर देते हैं। तो चाहे डायरेक्टर की अच्छी बात है, छोटा कमरा हो, छोटी जगह हो, ही प्लेसेस हिज कैमरा सो सेंसिबली कि उसमें बड़ी चीज़ें कैप्चर हो जाती हैं। और फिर ऐसे शॉट्स बनाना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता पीछे क्या, आगे क्या, ये क्या, सारा फोकस एक्टर की परफॉर्मेंस पे। और लाइट बिल्कुल, आई लव द लाइटिंग ऑफ दिस ड्रामा। और वो तो क्योंकि हमने इश्क मुर्शिद में गंदी लाइटिंग देखी है, ब्लास्टिंग, यहाँ लाइट इतनी हसीन है कि कलर्स इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। मेकअप हो कुछ हो, जहाँ मेकअप नहीं भी है वहाँ भी स्किन, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो नाइस। लाइटिंग बहुत अच्छी हुई है, शॉट्स अच्छे बने हुए हैं। तो आई एंजॉयड दिस एपिसोड, आई विल गिव इट 8। मीना जी, आई विल आल्सो गिव हिम एन 8 बिकॉज फ्रॉम द डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स मेक्स 8। जी रुबीना जी, मैं काटूंगी डायरेक्टर के मार्क्स और काटूंगी जिस जगह पे, वो है प्लेसमेंट ऑफ द थीम सॉन्ग। क्योंकि जो भी लव्स उस गाने में कहे जा रहे होते हैं वो जब भी आते हैं वो सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते थे। और मैं डायरेक्टर के नंबर कर दूंगी 7। सर स्टिल वेरी गुड जॉब। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं। हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 2,860, 22% बनते हैं, 2.2 मिले हैं इनको 10 में से। वेल डन, वेरी गुड जॉब। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की और कुबरा खान, नादिया। बहुत मैंने एंजॉय किया कुबरा का काम एंड हर परफॉर्मेंस, 9 फॉर मी। वेल डन कुबरा खान। मरीना जी, सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8, शी इज डन एन अमेजिंग जॉब। मीना जी, वेल डन टू कुबरा एंड आई विल गिव हर एन 8 फॉर श्योर। अच्छा जी, ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और कुबरा के हिस्से में आए हैं 3,510, 27% बनते हैं, 2.7 इनको ऑडियंस के मिले हैं 10 में से। वेल डन कुबरा खान। अब बात करी जाए मेल एक्टर की। अब जी हमारे पास दो नाम हैं, तलहा चाहूर और गौहर रशीद। गौहर बिल्कुल गौहर, नादिया। लेकिन ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे, ये ही इज आल्सो अ 9। मीना जी, आई विल से 8.5। 8.5, वेरी गुड। रवीना जी, स्टिल गिव हिम एन 8। 8, गुड जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं और गौहर रशीद के हिस्से में जन्नत से आगे से आए हैं आई थिंक 2,000, 1,064, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं। कुबरा को इस ड्रामे से 3,510 मिले थे, इनको 1,064 मिले हैं, तो नंबर्स में फ़र्क आया है। तो जी ये कंप्लीट हुआ जन्नत से आगे का रिव्यू। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग फेज में आ चुका है। आगे मेरे ख्याल जब नेक्स्ट एपिसोड हम करेंगे अपनी, तो उसमें हम सेकेंड लास्ट और लास्ट एपिसोड इसकी होगी, तो उसका भी फिनाले होगा। और भी एक और ड्रामे का फिनाले होने वाला है, वो आपका बहुत ही फेवरेट, इसका नाम है काबली पलाओ, उसका भी रिव्यू करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल के एपिसोड में। आज की एपिसोड हमारी कंप्लीट हुई, हमें अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अभी जो हमने शुरू में, जो हमने एपिसोड के आगाज़ में बात की, जो नादिया ने एक बिग अनाउंसमेंट किया है, उसके वाले से भी हमें ज़रूर बताइएगा कि अवार्ड शो का नाम क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड फिनाले होना है दिसंबर में, उसके लिए तैयारियां हमारे सेट पे शुरू हो चुकी हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको जो आखिरी हमारी सीज़न के एपिसोड में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि पूरे साल के विनर्स का बाकायदा और बड़े दिलचस्प तरीके से उनका हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसी के साथ ही नादिया खान, रुबीना अशरफ, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।